वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आर के इलेक्ट्रिकल्स पर। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे ये अर्थिंग के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये जो केमिकल अर्थ होता है, पुराना ज़माने का ओल्ड चारकोल और सॉल्ट वाला अर्थिंग, इसमें डिफरेंस क्या कुछ हम दिखाएंगे सब। तब तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। पहले देखते हैं ये अर्थिंग क्या होता है, कैसे इसको पहचाने। ये देखिए, घर में हमारा तीन लाइन आता है, तीन तार आता है दोस्तों। दो तार तो हमारा खंभे से आता है, लाइन और न्यूट्रल, और एक ये देखिए साइड में जो दिख रहा है, ये अर्थिंग कहते हैं इसको। इसको हम ग्राउंड से अर्थिंग बना के लाते हैं दोस्तों। ये जो लाइन होता है, इसमें तो करंट आता है और न्यूट्रल में करंट जाता है, पर जो भी कुछ करंट लीकेज हो के रहता है अप्लायंसेस में हमारा, वो हमें शक ना लगे और वो करंट हमारे बॉडी में ना आ जाए, इसीलिए हमें अर्थिंग डालना होता है। और बॉडी में हम उसको अर्थिंग डालते हैं जो कि ये अर्थिंग को ग्राउंड कर दे, मतलब ये अर्थिंग के सहारे वो करंट को ग्राउंड कर दे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा जो ओल्ड मेथड का अर्थिंग है, इसमें हमारा चारकोल और कोल लगता था और सॉल्ट लगता था, और ये हमारा केमिकल अर्थिंग है। इसमें और उसमें क्या तफात है हम देखते हैं। इसमें ओल्ड मेथड का जो हम चारकोल कोल और सॉल्ट डाल के करते थे, उसका तो वैरायटी तीन चार टाइप का आता है, जिसमें कि हम पाइप अर्थिंग करते थे, स्पाइक में भी करते थे, प्लेट अर्थिंग भी करते थे, और उसमें फ्लैट डाल के भी करते थे। उसमें दोस्तों हम जो चारकोल और सॉल्ट डालते हैं, इसका रीजन क्या है, इसी को हम क्यों डालें, उसमें डालने का मकसद क्या है, इसका काम क्या होता है। देखिए, ये जो सॉल्ट होता है दोस्तों, ये हमारा गुड कंडक्टर होता है, जैसे कि करंट को ये पास करेगा, आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, ये गुड कंडक्टिविटी कहलाता है। सॉल्ट जो हमारा नमक होता है, और चारकोल और जो कोल, उसको डालते हैं दोस्तों मॉइस्चर ऑब्जर्वेंट के लिए, वो पानी को या मॉइस्चर को सोक करके रखता है, तभी हमारा जो करंट होता है उसमें पास होकर अर्थ में जाता है। तो दोस्तों इसका डिमेरिट्स भी कुछ है, उसको देखते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये प्रॉपर नहीं आता है। कभी कभी इसका जो पाइप रहता है, जीआई का पाइप डालते हैं, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, तभी वो सॉल्ट के संस्पर्श में आके वो मेल्ट हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। और इसमें कुछ मिट्टी में तो हमें पानी भी हर वक्त डालना पड़ता है, जबकि सर्दी के टाइम हो जाए या समर का टाइम हो जाए, उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसा बहुत मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, अभी हमारा जो केमिकल अर्थिंग होता है, ये दोस्तों केमिकल बोलते हैं हम, इसमें जो केमिकल लगता है वो दो टाइप का लगता है। देखिए, इसका जो कंपोनेंट इसमें लगता है, इसमें एक रोड लगता है जो कि केमिकल उसमें भरा रहता है, और इसमें पाइप कुछ डालना नहीं पड़ता है, वही एक ही रोड डालना पड़ता है जिसके अंदर केमिकल होता है। और ये इसमें जो केमिकल डालते हैं, कंपाउंड डालते हैं, उसमें दो टाइप का आता है। एक तो आता है बेंटोनाइट बोलते हैं, जिसका कि ब्राउन कलर का रहता है, ये देखिए इधर, और ये जो हमारा ग्राफाइट बेस्ड कंपाउंड होता है दूसरे वाला, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो बेंटोनाइट होता है दोस्तों, ये ड्राई सोयल में हम यूज करते हैं इसको, मतलब रेतीली ज़मीन जो होता है उस टाइप के जगह में इसको यूज करते हैं। और जो ये हमारा ग्राफाइट बेस्ड कंपाउंड होता है ब्लैक कलर वाला, इसको हम मिट्टी के एरिया में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे इस अर्थिंग को, देखिए दोस्तों, इसको हम करने के लिए पहले तो लगभग 10 फीट का गड्ढा खोदना होता है, मतलब हमारा ये जो पाइप जितने का होता है रोड, अर्थिंग रोड, वो अगर 5 फीट का होता है तो हमें 6 फीट का गड्ढा खोलना है। अगर ये 3 मीटर वाला होता है 10 फीट का, तो हमें 11 फीट का गड्ढा खोलना है। और उसका जो दोस्तों जो चौड़ाई होगा, ये 10 इंच डायमीटर में होगा, और उसके बाद हमें ये रोड को डालना है अंदर, और जो हमारा केमिकल होता है उसको मिक्स करेंगे पानी के अंदर, पानी में मिक्स करेंगे, फिर रोड डालेंगे और पानी को भी उसी में डालते रहेंगे,
और डालते 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 उस इसको हम फिल कर देंगे। तो ये हो तो हो गया हमारा केमिकल वाला अर्थिंग। तो दोस्तों इसको चेक कैसे करेंगे, इसको अर्थ टेस्टर में हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हमेशा इसका वैल्यू हमारे घर के लिए ऑफिस के लिए 3 ओम से 5 ओम के बीच रहेगा दोस्तों, और इससे कम होगा तो और अच्छा, पर इससे कम बहुत जगह में नहीं होता है, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे कम होता है मतलब 2 ओम से कम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। देखिएगा पेट्रोल पंप में भी अर्थिंग वगैरह होता है, ये सब 2 ओम से नीचे होता है, 1 ओम के आसपास होता है, और जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना अच्छा होता है अर्थिंग। और दोस्तों इसमें अर्थिंग का चैम्बर भी लगता है, कहीं पे प्लास्टिक का आता है, कहीं पे कंक्रीट का आता है, कहीं कहीं ईंट में भी बनाते हैं, पर अर्थिंग चैम्बर मोस्ट अर्थिंग के बाद उसमें लगाना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अर्थिंग जो हमारा अर्थिंग पोस्ट होता है उसका सेफ्टी के लिए। और दोस्तों ये जो बड़े बड़े घर होता है उसमें लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, जो बिजली से बचाने के लिए, वो लाइटनिंग अरेस्टर से डायरेक्ट जो फ्लैट के मदद से लाएंगे या तो तार के मदद से लाएंगे, उसको डायरेक्ट ला के उसको सेपरेट अर्थिंग करेंगे दोस्तों। जो घर के लिए जो अर्थिंग डालेंगे उसमें इसको कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे, इसको सेपरेट अर्थिंग देंगे। और दोस्तों जो फ्लैट आएगा ऊपर से तो उसको भी इंसुलेटर दे के ही नीचे लाएंगे, फिर और जो लाइटनिंग अरेस्टर ऊपर लगता है उसमें भी इंसुलेटर डाल के, देखिए इस तरह का इंसुलेटर डाल के हमें उसको भी घर के संस्पर्श से नहीं आने देना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, हमारा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।